हेलो एवरीवन, दिस इज सोनिया सिंह फ्रंट ऑफ यू एंड वेरी वार्म वेलकम एवरीवन ऑन आवर चैनल बीट द कंपटीशन। सो आज का जो सेशन है कम्प्लीटली बात करने जा रहे हैं 9 जुलाई का जो पेपर हमारा पेपर वन बेसिकली यूजीसी का हमारा हुआ है उसका हम एग्ज़ाम एनालिसिस करेंगे। ये चेक करेंगे कि कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं यहाँ पर और ये भी ध्यान रखेंगे कि आने वाले शिफ्ट में यानी कि अगस्त में जो हमारा पेपर होने वाले हैं उसमें कौन सा ट्रेंड जो है यानी क्वेश्चंस को पूछे जाने का जो ट्रेंड है कौन सा फॉलो किया जाएगा। हालांकि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमारा कोई स्टैंडर्डाइजेशन फिक्स है कि यूजीसी को यही पूछना है, पर क्योंकि थोड़ा सा अगर हम ट्रेंड को चेक कर लेते हैं तो ये हमें थोड़ा सा काफ़ी हद तक क्लियर हो जाता है कि भाई ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं, तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। लास्ट अभी जो शिफ्ट वन का पेपर का एनालिसिस है वो भी चैनल के ऊपर मैंने अपलोड कर दिया है, तो उसको भी आप देख सकते हैं और जो उसकी PDF है वो आपको बीट द कंपटीशन के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो यहाँ तक ये तो बात काफ़ी हद तक क्लियर हो गई है कि इनको देखने के बाद आप काफ़ी हद तक ये चेक कर पाएंगे कि ट्रेंड में चीज़ें क्या हैं और आपको किस तरीके से तैयारी करनी है जो बच्चे अभी भी प्रिपरेशन मोड में हैं सेकेंड शिफ्ट के लिए यानी सेकेंड राउंड ऑफ पेपर के लिए। तो आप देख पा रहे होंगे कि SDG और MDG से सवाल आपका पूछा, मैचिंग द क्वेश्चन से सवाल आपसे पूछे गए हैं, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स और आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स से, JPG क्या होती है, RAM अगेन मेमोरी के ऊपर सवाल आया है, NEP जो आपका आता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, लास्ट ईयर भी कोई भी ऐसा शिफ्ट हमारा नहीं रहा 2021 अक्टूबर वाला कि सवाल यहाँ से नहीं पूछे गए हैं, नंबर सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इंडियन लॉजिक से सवाल फिर से आपसे पूछा गया, हालांकि शिफ्ट वन में इंडियन लॉजिक से कोई सवाल नहीं आया है, DY फिर से लेंदी रहा हमारा इस बार, RC वॉज इनडायरेक्टली कोविड टॉपिक रहा हमारा, कम्प्रिहेंशन जो हम लिखते हैं समझते हैं टाइम टेकिंग है पर अगर आप सही से कर ले जाते हैं तो मैक्सिमम नंबर आपके जो वहाँ पर इंश्योर कर सकते हैं। रेशियो परसेंटेज आपको देख कर जाना है, बेसिक अप्रोच से पूछा गया था, प्रॉफिट एंड लॉस भी आपका, कोडिंग डिकोडिंग फिर से पूछा गया शिफ्ट वन की तरह, सिंपल इंटरेस्ट आया, अल्फाबेट सीरीज जो है काफ़ी ईजी, कम्युनिकेशन के इफेक्ट क्या होते हैं एज यूजल फेवरेट टॉपिक ऑफ NTA हमेशा इसके बारे में पूछता है, मैलवेयर से सवाल आपका पूछा गया, क्यूटो प्रोटोकॉल अगेन वेरी फेवरेट शिफ्ट वन में सवाल यहाँ से आया था, एरिस्टोटल मॉडल कम्युनिकेशन क्रोनोलॉजी ये सवाल आपसे पूछा गया था, एक्सेप्शन रहा सवाल, कम्युनिकेशन से सवाल बनना पूछता है इफेक्ट से आता है, या जो मैस्लो का आपका कम्युनिकेशन वाला क्वेश्चन है वहाँ से सवाल बनता पर एरिस्टोटल से पूछा है तो आप ये समझ सकते हैं कि कम्युनिकेशन के जो बाकी मॉडल्स हैं उनको भी आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट है। क्योटो प्रोटोकॉल, ग्रीन हाइड्रोजन और APA स्टाइल ये भी आपका शिफ्ट वन में पूछा गया, ग्रीन हाइड्रोजन लास्ट शिफ्ट में लास्ट ईयर भी इन्होंने एनर्जी से और जो आपका सोलर पावर प्लांट से यहाँ से सवाल पूछे गए थे तो आप ध्यान में रख सकते हैं। ये एनालिसिस काफ़ी हद तक आपकी मदद कर सकता है कि जो भी पेपर इस बार देने वाले हैं उनको ट्रेंड समझने में काफ़ी हद तक ईजी टास्क रहेगा और इससे आप काफ़ी कुछ जो है ट्रेंड को एनालिसिस कर सकते हैं और पेपर को थोड़ा सा जज कर सकते हैं कि आपको किस डायरेक्शन में जाकर तैयारी करनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है UGC के पेपर को क्वालिफाई करना। PDF इसकी मिल जाएगी आपको टेलीग्राम चैनल पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यहाँ पर आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल का, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और PDF भी वहाँ से ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी एवरीवन।